इस टाइम पे अगर मैं सूर अर्घ में इसमें लेके दे रहा हूँ छोटी बात के बाद में सूर्य अर्घ देना गायत्री मंत्र के द्वारा, गायत्री मंत्र उच्चारण करके तीन बार, तीन बार या पांच बार ये हो गया। शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना, शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना, मंगलवार हनुमान चालीसा चाहे रोज कर ले कोई इसमें हनुमान चालीसा का सूर्य को आंखें मन देखना तो इसके लिए आंखों की सूर्य की तरफ तो अर्जुन देख के तुम्हें देख लेगी और ये पृथ्वी का प्रणाम ये तो अपना नित्य क्रिया है, ये तो डेली कर्म है, ये नित्य क्रिया बना ये तो कर्म है ना, ये साथ क्या होता है पृथ्वी माँ भी कहेगी मुझे भी मेरे को पहला पहले ही हाथ लगा दी ठीक है ना, और ये हमारे कर्म होते हैं हाथ में, कर्म कहाँ होते हैं हाथों के, तस्वीर देखने से या सुबह सुबह भगवान की तस्वीर देखने से या माता पिता के दर्शन करने से किसी के भी दर्शन करने से उनको देने से नहीं है, आपने जब तक कर्मों को नहीं देखेंगे। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके अग्रभाव में, कर्म माने हाथ, करके अग्रभाव में लक्ष्मी का वास होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन, प्रभाते मतलब सुबह सुबह अपने कर के दर्शन करने चाहिए। इस मंत्र का ये होता है कराग्रे, इसमें लक्ष्मी भी का वास है, इसमें सरस्वती विद्या भी इसी से होती है और इसमें ब्रह्मा मूल भाव में ब्रह्मा जी भी हमारे रचयिता इसमें बैठे हैं जो हमारी किस्मत रची हुई है, हम तीनों इसमें बैठे हुए हैं, तीनों को इसी को दर्शन करना होता है क्योंकि हमारे अंतःकरण में ही भगवान बैठा हुआ है, मन हमारा घोड़ा है जो चला रहा है हमको, दौड़ा रहा है रथ को ठीक है ना, ये रथ है हमारा, दो पैर दो हाथ अगर बन जाओ तो घोड़ा भी बन जाएंगे, रथ की तरह के तक चलते रहेंगे, शरीर ही काया पूरी रथ है हमारे, हमको बाहर बाहरी वस्तु को देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने शरीर को हम किसी भी पढ़ाई कर सकते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष को पाला जाता ना उसी प्रकार ये शरीर काया को भी पाला जाता है, समझदार है, बुद्ध कन्या राशि में बैठा है स्वयं की राशि में, बुद्धि कितनी तेज है तू लेकिन फिर भी तूने मन में बुद्धि क्यों बना रखा है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, बुद्धि बहुत है तेरे अंदर, बहुत तेज है बुद्धि की लेकिन पता नहीं चल रहा है क्यों मन में बुद्धि बना रखा है, उनको पढ़ा रही है मम्मी पापा को, कन्या राशि में बुद्ध बैठा है इसका स्वयं की राशि में, लेकिन पता नहीं ये बुद्धि उस जगह क्यों नहीं लगा रही है, किस जगह लगा रही है ये तो ये स्वयं जानती है, हम कहना कहेंगे नहीं, समझदार होगी ना हमारी बातों को अमल करेगी, बाकी हमको कुछ नहीं कहना है, या मोबाइल में फोटो खींच ले ये देना देवा होगा ना इसको अपने पास रखना, नहीं भी दिखाना यही मन पे आएगा, या जब किसी फोटो खींचे बच्चे चले देवी जी और कुछ जानकारी।